देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 8,447 पहुंच गए हैं। इस महामारी से अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 364 जिलों में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी आज से मंत्रालय के कामकाज शुरू कर देंगे। काम के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधा के लिए सरकार 20 लाख सुरक्षा स्टोर शुरू करेगी। इन दुकानों में लोगों को सुरक्षा के उपाय के साथ जरूरी चीजें भी मिल सकेंगी। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 480। प्रदेश में 45 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब तक 41 जिलों तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1600 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, टेली मेडिसिन के जरिए लोगों को सुझाव दिया जाएगा। प्राइवेट और रिटायर्ड डॉक्टर भी सुझाव दे सकते हैं। यूपी में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, टेली मेडिसिन से सुझाव के लिए किए जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे लोग। आज शाम 4 से 6 बजे तक स्वास्थ्य विभाग सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने बिजली विभाग को हार्वेस्टिंग के दौरान किसानों को होने वाली असुविधाओं का ख्याल रखने का दिया है निर्देश। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। अवनीश अवस्थी ने कहा, 17 कंपनियां सैनिटाइजर की आपूर्ति कर रही हैं। लोगों में 11 लाख लीटर सैनिटाइजर बांटा गया है। अवनीश अवस्थी ने कहा, प्रदेश में अब तक 15,378 एफआईआर दर्ज की गई है। 2,144 वाहनों की सीज किया गया है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले 484 लोगों पर 385 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अवनीश अवस्थी ने लोगों से धार्मिक कार्यक्रमों को घर में ही मनाने की अपील की। कहा, अम्बेडकर जयंती भी लोग घर में ही मनाएं। अवनीश अवस्थी ने कहा, 15 जिलों में 133 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट में करीब 10,61,000 लोग रहते हैं। हॉटस्पॉट में राशन का वितरण भी तेजी से हो रहा है। अवनीश अवस्थी ने कहा, यूपी में 80% मामले 133 हॉटस्पॉट से हैं। हॉटस्पॉट में 242 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। उत्तराखंड में चौथे दिन भी नहीं आया कोरोना का कोई नया केस। 93 सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। उत्तराखंड में अभी तक मिले हैं 35 कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट बढ़कर 43 हो गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ऑपरेशन शील्ड का दायरा बढ़ाकर आज से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का किया जाएगा काम। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1154 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच चुका है। एम्स दिल्ली में तैनात दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनके कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर ताहिरपुर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1982 हो चुकी है। रविवार को कोरोना के 221 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 149 हुई। पंजाब के पटियाला में निहंग सिखों के हमले में एक एसआई का हाथ कटा। कर्फ्यू का पास मांगने पर हुआ पुलिस पर हमला, 11 गिरफ्तार। निहंगों के हमले में घायल एसआई का हाथ जोड़ा गया। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में 7 घंटे तक चला ऑपरेशन। डीजीपी ने रखी हालात पर पूरी नजर। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो राहत शिविरों में रह रहे मजदूरों के साथ के लिए भोजन, दवाई और मोबाइल कॉलिंग की व्यवस्था करें। इसके साथ ही शिविरों में सफाई का खास ध्यान रखा जाए। दिल्ली में कोरोना से आज 5 और की मौत। 5 मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ। आज 85 नए मरीज, कुल 1,154 संक्रमित। खटीमा तहसील के मुंडेली गांव में गेहूं की फसल आग में जलकर राख हो गई। खेत के ऊपर से गुजरते एक्सटेंशन तार की चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। पौड़ी के सतपुली में अनियंत्रित कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। कार सवार 3 की मौके पर ही मौत। एक शख्स को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता इलाके में पारिवारिक वाद को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया।
लॉकडाउन की वजह से बद्रीनाथ यात्रा का सबसे प्रमुख तिमुंडिया मेला रद्द कर दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर प्रबंधन और देव पूजाई समिति ने तिमुंडिया मेले को रद्द करने का फैसला किया। बद्रीनाथ के कपाट भी तय समय पर खुलेंगे, लेकिन यात्रियों को दर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में फल और सब्जियों पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। फल और सब्जी विक्रेता सरकार के इस फैसले से खुश हैं और दाम कम करने की बात कही गई। लॉकडाउन में किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं खरीद को मंजूरी। किसानों से गेहूं खरीदने के लिए बनाए गए 5,000 केंद्र। गौतमबुद्ध नगर में मकान मालिकों के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर मकान खाली कराने का दबाव डालने पर होगी सख्त कार्रवाई, ना मानने पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में कुत्ते और बंदर एक साथ खाना खाते नजर आए, पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत ने भूखे जानवरों को खाना खिलाया। लॉकडाउन के दौरान भी गाजीपुर के एक प्राइमरी स्कूल में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से चैप्टर वाइज क्लासेस रिकॉर्ड करके पढ़ाया गया। इस पहल की शिक्षा अधिकारी भी सराहना कर रहे हैं। जौनपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन का जागरूकता अभियान जारी, अभियान में हर वार्ड से 5 युवाओं को भी शामिल किया गया। शामली में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती का शव बरामद, पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, शादी का दबाव बनाने पर हत्या करने का आरोप। सुल्तानपुर के सराय अंचल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच पटना में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, कोरोना काल को देखते हुए उसने बच्चों के नाम कोविड कोरोना लॉकडाउन जनता कर्फ्यू रख दिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो बैसाखी का पर्व आज घरों में ही मनाएं और सड़कों पर ना निकले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी सी मुर्मू ने भी लोगों से ऐसी ही अपील की है। पाकिस्तान के लगातार 7वें दिन जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। रविवार को पुंछ के साथ साथ कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। कोविड-19 के कहर के बीच पाकिस्तान लगातार कोरोना संक्रमित आतंकियों को भारत में धकेलने में लगा है। कोरोना संक्रमित आतंकी ने जब कश्मीर में अपने पिता को फोन किया तो पाकिस्तान की इस रणनीति का खुलासा हुआ। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,14,000 हो गया है। अमेरिका के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के डॉक्टरों की मदद मांगी है। अमेरिका डॉक्टरों ने उनसे पूछा है कि वो किस तरह से मरीज का इलाज करें जिससे इस वायरस को रोका जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना के संक्रमण से ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। जॉनसन ने नेशनल हेल्थ सर्विस और देश के लोगों को शुक्रिया कहा।